नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो मैंने टेरेस पे जो मेरा कॉलीफ्लावर ग्रो हो रहा है उसको किस तरह केयर करेंगे इसके बारे में थोड़ा मैं टिप्स आपको दूंगी। ग्रोइंग टाइम्स किस तरह हमें केयर करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा मैं बताने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और ज़रूर ध्यान से देखिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर की। देखिए ये मेरा सारे में पॉट्स में मैं कॉलीफ्लावर ग्रो कर रही हूँ, सारे में मैंने कॉलीफ्लावर ही लगाया है। पॉट जर्मिनेट कर बताई थी मैं किस तरह लगाते हैं, उसका वीडियो भी बनाई हूँ, लिंक अगर बोलोगे तो आप मैं लिंक दे दूँगी। ये देखिए पहले किस तरह हम केयर करेंगे। जैसे हम ये कॉलीफ्लावर्स ग्रो करने के लिए प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, इसमें रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। हम तो ज़्यादातर स्क्रैप्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए चारों तरफ स्क्रैप्स डालें, मतलब पॉट के किनारे किनारे जो भी है अराउंड स्क्रैप्स डालें, रूट के पास ना डालें। रूट्स के डालने से प्लांट से जो गल सकता है। और एक चीज़ और, अब ये पॉट ये प्लांट है जो प्लांट एक ही डंडे की तरह होता है जिसमें गोभी निकलता है, पर फ्लावर काफ़ी बड़ा भी हो जाता है तो लोड ना ले, इसलिए मतलब लोड काफ़ी लेने के लिए इसके किनारे जो पॉट के किनारे जो वो तो डालेंगे ही, मैंने बताया ही स्क्रैप्स पर प्लांट्स के पास ही। देखिए छोटा सा एक और कॉलीफ्लावर का है, एक तैयार हो जाएगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये है तो जहाँ पे जो लंबा सा निकलता है वहाँ पे हम सॉइल डालेंगे ताकि रूट है जो कॉलीफ्लावर प्लांट्स का उसे पकड़े वो मजबूती से, और फ्रूटिंग में उसे परेशानी ना हो। वो लोड सॉइल है जो मजबूती देता है ना प्लांट्स को, सारा शक्ति देता है, इसीलिए सॉइल के पास इसीलिए थोड़ा थोड़ा है जो प्लांट्स के किनारे चारों तरफ प्लांट्स के अराउंड चारों तरफ थोड़ा सॉइल डालेंगे ताकि वो उसे पकड़े रहे और वो फ्रूटिंग में आसानी हो। ये देखिए मैं बीच में ये भी दिखा दे रही हूँ, मेरा ये कटीला पालक है तो दूसरे में ग्रो हो रहा है पर इसमें पहले से मैं डाली थी थोड़ा, तो उसमें है जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है, मतलब अब इसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाएगा सीड्स। और ये मेन चीज़ तो मैं जो बता रही हूँ, जैसे ये कॉलीफ्लावर का जो देख रहे हो आप प्लांट उसके अराउंड, ध्यान से आप बात सुनना, प्लांट्स के चारों तरफ हम सॉइल डालेंगे, सॉइल को माउंटेन की तरह, मतलब धीरे धीरे स्लोली डेली दो दिन पे एक दिन पे जैसे जैसे प्लांट ग्रो होगा आगे बढ़ेगा हम उसमें सॉइल डालते जाएंगे ताकि प्लांट्स है जो सॉइल को मजबूती से पकड़े और फ्रूटिंग में उसे प्रॉब्लम ना हो। इसलिए और चारों तरफ स्क्रैप्स जहां हम डालते हैं उसको डाउन रहे तो चलेगा, पर प्लांट्स के पास रूट जहां है वहां से जो डंड निकल रहा है लंबा हो रहा है ग्रो हो रहा है वहाँ पे सॉइल डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रूट से ही मजबूती लेकर वो आगे बढ़ेगा, इसलिए वहाँ पे सॉइल डालते रहेंगे। सॉइल कैसा है, सॉइल फर्टिलाइज़र वाला सॉइल, जैसे आपके पास अगर नहीं है तो मार्केट से भी अवेलेबल खरीद सकते हो, मिलता है काउडंग फर्टिलाइज़र कोई भी, और उसे मिक्स कर हल्का हल्का डालते जाएंगे। और ये देखिए मटर का भी प्लांट मैं लगा रखी हूँ, जो मटर इस बार मैं थोड़ा अपने से सीख भी रही थी और कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ है मुझे कि किस तरह ग्रो करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर पॉट में ही सारे प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ, इसलिए इसका टेक्निक यही है।
और ये देखिए मटर का प्लांट्स में फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया है, और इस मटर प्लांट में देखिए फ्रूटिंग स्टार्ट हो गया है, फ्रूटिंग इसका शुरू हो गया है। पर मैं लेट से मटर डाली थी, ऐसे तो मैं मार्केट से दो तीन बार खा भी चुकी। और ये पालक जो डेली हम यूज कर रहे हैं अभी, उसी का है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। मतलब फरवरी मार्च से ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। इस बार मैं गोभी भी, कॉलीफ्लावर भी थोड़ा लेट से लगाई, लेट ही बोला जाएगा, नवंबर में लगाई, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में काफ़ी गर्मी थी। मैं सोच रही हूँ अगले साल जुलाई में ही सीड्स जर्मिनेट कर दूँगी, देखती हूँ ट्राई करने में क्या हर्ज है। और ये रहा, ये है मेरा पुराने जो कट्टे में मैं पौधे सिम वगैरह जो लगाई थी लोबिया का, उसी का है ये सारे सॉइल। इसे मैं धूप दे रही हूँ, धूप में चींटियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए धूप दिखा रही हूँ मैं इसको। ये रहा मेरा वेजिटेबल्स का गार्डन, पर वेजिटेबल्स प्लांट्स पार्ट, जहाँ वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ मैं। सोच रही हूँ इस बार क्यारी, मेरे हस्बैंड बोले तो हैं, देखती हूँ क्यारी बना देंगे, बोले उसी में अपना सब्जी ग्रो करते रहना। ये है शकरकंद, हल्दी, सारे पॉट में मैं और ग्रो बैग में डाली हुई हूँ, ये कट्टे में मैंगो और एलोवेरा, और एक ब्रिंजल का प्लांट जो हमारी नेबर ने दी थी। अब देखती हूँ इसमें कौन सा ब्रिंजल आता है, लॉन्ग या राउंड का, तो मेरे पास है, मैं ग्रो कर रही हूँ। गर्मी में काफ़ी खाई थी, ठंड की वजह से थोड़ा ग्रोथ अभी कम हो गया था, अब ठंड थोड़ा कम हो गया है तो शायद अच्छा हो। अब जितने एलोइस जितने लिप्स हैं सबको मैं कट करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ, जो जो येलो दिखता है मैं हटाते रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप काफ़ी, मैं थोड़ा जितना मुझे नॉलेज होता है आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। ये रहा कॉलीफ्लावर, देखती हूँ कितना बड़ा होता है, कोशिश सही फर्स्ट ट्राई है। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Is a winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Yeah. I've been living this year. That is already the season. Myeotta, I think I'm drunk. If I'm living in prison, guys said I'm a gago.